नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्चनाज गार्डन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीज से अपराजिता के पौधे को सही तरीके से ग्रो करने का तरीका बताने जा रही हूँ, ताकि बार बार आपको नर्सरी से ये पौधा खरीद कर लाना ना पड़े, आप खुद बीज के द्वारा इसे तैयार कर सकें। मैंने भी अपने सभी पौधे बीज के द्वारा ही तैयार किए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारी सभी पौधे कितने हेल्दी हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपना वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये अपराजिता में इस तरह से ये अभी ग्रीन कलर का बीज है। बहुत सारे बीज इसमें हैं, क्योंकि मैंने बीच में फूल कम ही तोड़ा था, तो मेरे पौधे में बहुत सारे बीज बन गए हैं। ऐसे आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो बीज बहुत सारे नहीं बनने चाहिए, जितना बीज के लिए रखना है उतना छोड़कर बाकी फूल को तोड़ते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी ये ग्रीन कलर का है, ये जब पक जाएगा तो आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये अपराजिता का बीज है। अब मैं इसे तोड़ लेती हूँ और आपको ग्रो करके दिखाती हूँ कितना जल्दी ये पौधा लग जाता है। और इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है, और यह धन को चुंबक की तरह खींचता है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 10 इंच का गमला है, आज इसमें बीज लगाने जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने अपराजिता के बीज को इस तरह से खोल दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि काले काले 3, 3, 6, 1, 7 बीज इसमें हैं इस तरह से, और मैं इसको अपने हाथ में निकाल लेती हूँ इस तरह से इसको निकाल के। और ये देखिए, ये इसके बीज हैं, एक फली में 7 बीज थे और मैं अपने गमले में इन 7 को लगा रही हूँ। मिट्टी की बात करूँ तो इसमें मैंने गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट एक एक भाग करके मिलाया हुआ है, और मैं इसमें अपराजिता के बीज को डाल देती हूँ। फ्रेंड, मैंने सारे बीज इसमें डाल दिए हैं, 7 बीज, और अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देती हूँ, एक लेयर। और इसमें अब मैं पानी डाल देती हूँ। अब 15-20 दिनों के लिए इस पॉट को मैं सेमी शेड एरिया में रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने जिन बीजों को बोया था, आज 21वां दिन है और ये कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर चुका है। मैंने इस पॉट में 7 बीज लगाया था, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 बीज ग्रो हो चुके हैं और 2 अभी ग्रो होने बाकी हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों में वो भी हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।